नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और न्यूज आई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको ये न्यूज मिल जाएगी न्यूज़पेपर में। जी हाँ दोस्तों, उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बता दें कि जो राजस्थान पुलिस का कर रही है इंतजार, जो लोग उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज आई है। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए बहुत गुड न्यूज आई है। लगभग वो 11,000 पदों पर भर्ती होने के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे पहले, लेकिन अब जो फिलहाल है वो आज के अखबार में न्यूज़पेपर में 9,307 पदों पर भर्ती हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, और हो सकता है इसमें 10 तारीख को बजट पेश होगा राजस्थान का, तो उसमें हो सकता है पदों में बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों। तो सबसे पहले वो न्यूज क्या है, इस न्यूज के अंतर्गत बताया गया है कि जी हाँ दोस्तों, जो इस न्यूज़ में हमारे पास ये न्यूज है इसमें पूरा डिटेल बताया गया है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। जी हाँ, एक सप्ताह में घोषित हो सकती है आवेदन की तिथि। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो एक सप्ताह में आवेदन की तिथि घोषित हो सकती है, यहाँ पे दिया गया है ये आवेदन की तिथि। और इसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया है कि यह होगी चयन प्रक्रिया। क्या होगी इसमें चयन प्रक्रिया, क्या के बारे में क्या क्या होगी, हम आपको पढ़ के बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले ये न्यूज है, आप देख लीजिए इसे। राजस्थान पुलिस में थोड़ा मैंने ये फोटो दूर से लिया है, थोड़ा साफ नहीं आया, लेकिन मैं इसको आपको पढ़ के बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल को भर्ती के लिए पुलिस महानिर्देशक सिंह बुधवार को अजीत सिंह ने बताया कि निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के लिए पात्रता निर्देशों के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके साथ ही भर्ती की कागजात कार्रवाई अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पुलिस मुख्यालय अब करीब एक सप्ताह में आवेदन की तिथि की घोषणा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेबलों के लिए 18 से 23 वर्ष व कांस्टेबल चालकों के लिए अधिकतम 26 वर्ष होगी। सामान्य वर्ष की महिला व अभ्यर्थियों के लिए, ओबीसी के लिए अभ्यर्थियों के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी दोस्तों। एजा ओबीसी एससी एसटी ओबीसी अभ्यर्थी को 10 वर्ष एवं अन्य को कर्मचारी में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान बयालीस साल के ऊपर तक थाने में सैनिक रह सकता है, इसके आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता में पूर्व नियमों का कोई बदलाव नहीं है, जो पहले नियम है शारीरिक दक्षता में वही होंगे। शहरी आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं दिया। शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास 10वीं पास दे रखी है। जी हाँ, यहाँ होगी चयन प्रक्रिया उपलब्ध हो जाए, यहाँ पर उपलब्धि उपलब्ध रहते। आवेदन पत्र को ई मित्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। सामान्य ओबीसी क्षेत्र के लिए शुल्क 400 रुपये तथा एजेजा के लिए 300 रुपये का चालान पेश होगा। आवेदन के बाद यूनिट आईडी दी जाएगी, जो कि लिखित परीक्षा में आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी डिटेल है जो राजस्थान पुलिस की अभी हाल ही में न्यूज़पेपर के माध्यम से आई है। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर इस न्यूज़ को आपके लिए बताया है दोस्तों। अगर ये न्यूज आपको अच्छी लगती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।